कौन बोल रही हैं आप? मैं हामिदा खान। हामिदा जी, कहाँ रहती हैं आप, कहाँ से बोल रही हैं? हम मानिक बाग, इंदौर। इंदौर जी। जी, आपका स्वागत है, बताइए क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप, कैसा है परिवार? सब ठीक है, मगर पापा एडमिट हैं बस, बाकी तो सब ठीक है। हमारे पापा को एडमिट किया है खांसी और बुखार की वजह से। अच्छा 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 अच्छा, तो कब से एडमिट है? ये थर्सडे से। थर्सडे से, तो अभी स्थिति क्या है, इम्प्रूवमेंट है? थोड़ा इम्प्रूवमेंट है, अभी रिपोर्ट आना बाकी है। इस वक्त हमीदा जी आपके मन स्थिति क्या है और आप? अभी तो बहुत बहुत ही आपकी बात सुनकर तो हम भी विचलित हो रहे हैं। हम भी विचलित हैं, लेकिन देखिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और जो विशेषज्ञ और जानकार कहते हैं कि ये जो बीमारी है ये इतनी ज्यादा भयानक नहीं है जितना हमने मन पर इसको भयानक बना लिया है। ये 5% लोगों को ही ज्यादा प्रभावित ज्यादा करती है, बाकी अधिकांश जो पेशेंट हैं वो ठीक हो जाते हैं। और अगर हम इसकी बात करें कि विश्व की बात करें तो अब तक करीब 4 लाख लोग इससे ठीक हो चुके हैं और इंदौर में भी काफी लोग ठीक हो चुके हैं। तो अगर हम तो यही चाहेंगे कि आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव ही आए, और जैसा आपने कहा है कि उनको इम्प्रूवमेंट है तो निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन सबसे जी हमीदा जी, सबसे बड़ी बात है कि आप हिम्मत बनाए रखें, पॉजिटिव सोच रखें। हिम्मत अगर आप सब लोग रखेंगे तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर निकल भी पॉजिटिव निकल भी जाता, हालांकि ऐसा नहीं होगा, निकल भी जाता है तो वो ट्रीटेबल है, वो ट्रीट हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं सभी उन पेशेंट्स के लिए जो एडमिट हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है और परिवार और वो इंतजार कर रहे हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। लेकिन पॉजिटिव भी हो, जैसा कि संजीव जी ने कहा, घबराइएगा नहीं, और नेगेटिव है तो आनंद ही आनंद है, बहुत खुशहाली के साथ घर आना। और सारी जो एडवाइजरी है, हाथ धोना है, सैनिटाइज करना है, उन बातों का पूरा ध्यान रखिएगा क्योंकि घर में छोटे बच्चे भी होंगे। जी है ना, पालन कर रहे हैं, यही सब हमको। हाँ, बहुत जरूरी है ना, क्योंकि परिवार का एक व्यक्ति अस्पताल में, बच्चे घर में, घर से आना, अस्पताल जाना, और अभी तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आई है। मैं समझ सकती हूँ कि आपके मन में किस तरह की दुविधा चल रही होगी। मत घबराइए, चलिए थोड़ा सा एक सुकून देने की कोशिश करते हैं, गीत संगीत से जोड़ने की कोशिश करते हैं। जानना चाहेंगे कि क्या कोई पसंद है आपकी? जी, जिंदगी इंसान लेती है, ये गाना सुना लेती ही है, ले रही है, ले रही है। और बात तो ऐसा आपने किया, आप हिम्मत रखिए हमीदा जी, सब ठीक होगा। और जैसा आप कहते हैं ना, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, है ना, बस उस पर भरोसा रखिए। और बाकी सभी हमारे डॉक्टर्स टीम लगी हुई है, सब अच्छा होगा, और इम्प्रूवमेंट है, ये प्लस प्वाइंट है, तो बहुत अच्छा होगा और जिंदगी के इस इम्तिहान में हम सब पास होंगे। और ये कहना चाहूंगी कि आपके माध्यम से जिन श्रोताओं के घर में इस तरह की स्थिति है, कोई पेशेंट है, कोई परेशानी है, गाइडलाइन आ रही है, हम आपको हेल्पलाइन नंबर्स बताते हैं, अखबारों में भी हेल्पलाइन नंबर्स आ रहे हैं, आप उनको फॉलो करते हुए अपने मरीज को तुरंत अस्पताल ले जाएं, लापरवाही बिल्कुल नहीं करिएगा। और हाँ, जल्दी ले जाना चाहिए, जल्दी ले जाना चाहिए, खान पान का पूरा ध्यान रखिएगा, है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है और खुशहाल रहना है। आइए सुनवाएं आपको आपकी पसंद का गाना।